हाय एवरीवन, दिस इज रिवान ऑफ बस और आज मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ किचन टूल्स के बारे में और यूटेंसिल्स के बारे में, जिसका आप लोग हिंदी या बंगाली तो जानते ही होंगे लेकिन आप इंग्लिश नहीं जानते। तो मैं आज आपको उनका इंग्लिश बताने वाला हूँ। सो लेट्स सी। अगर आप एक टीनेजर हो मेरी तरह, तो आप लोग ज़रूर चाय या फिर कुछ भी लाइक मैगी जो हर कोई बनाता है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया चाय, और सैंडविचेस केक्स आपने ज़रूर बनाए होंगे। तो उनके लिए क्या लगते हैं सबसे इम्पोर्टेंट किचन टूल्स, जिसको आप लोग हिंदी में कहते होंगे बहुत कुछ, लेकिन आप लोग इंग्लिश में क्या कहते होंगे? तो हमारा फर्स्ट वन है ये वाला यूटेंसिल, किचन यूटेंसिल, जिसे जो एक चम्मच है, बड़ा वाला चम्मच जिसको आप ऐसे पकड़ते होंगे करी उठाने के लिए, इसको हम कहते हैं लैडल। इसको तो आपको पता ही होगा जिसमें आप खाना कहते हो, प्लेट। और अगर प्लेट का बड़ा वर्शन हो, मतलब प्लेट का भी बड़ा है, तो उसको क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्लेटर। और ये वाला जिसमें आप पीते होंगे पानी, जूस, मिल्क और बहुत कुछ, इसको आप तो पता ही होगा कि ये इसको हिंदी में या बंगाली में ग्लास कहते हैं, लेकिन इसे हम कहेंगे इंग्लिश में टम्बलर। बी साइलेंट है, यदि बी है लेकिन बी साइलेंट है। इसको तो आपको पता ही होगा अगर आप चाय पीते होंगे या चाय के बारे में कुछ भी जानते होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, चाय को छनने के लिए ये इस्तेमाल होता है, इसको हम कहेंगे टी स्ट्रेनर। लेकिन अगर आप जो यम्मी रोटियां खाते हो, पराठे खाते हो, उसका आटा जो छानते हैं ना, वो बड़ी सी छन्नी, उसे हम कहेंगे सिफ्टर। यह वाला आपको कभी भी पता होगा या कभी भी आपने देखा होगा, जो मसाले कूटने का काम करता है, उसे हम कहते हैं मोटर और पेसल। हम इसे पेस्टल नहीं कहेंगे, पेसल कहेंगे। और ये वाला जिसे हम रोटी बेलने के लिए या फिर पराठा बेलने के लिए काम आता है, इसे हम हिंदी में तो बेलन कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम इसे कहेंगे रोलिंग पिन। और ये वाला जो खीरा, गाजर, मूली, इन सबको छीलने के लिए काम आता है, इसे हम कहेंगे इंग्लिश में पीलर। और ये वाला जो किसी ढाबे में या रेस्टोरेंट में डीम को फेंटने के लिए या फिर घर में फेंटने के लिए काम आता है, ऐसे ये वाला, तो इसे हम कहते हैं विस्क। और ये वाला जिसे हम हिंदी में चिमटा कहते हैं, इसको तो आपको पता ही होगा, जो रोटी उलटने के लिए काम आता है और बहुत सारी चीज़ों के लिए काम आता है, इसे हम कहेंगे टोंग्स। और ये वाला कढ़ाई, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे वोक। और ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट किचन में, जब किचन नाम सुनते हैं तो इसका ही सबसे पहले नाम आता है, इसके द्वारा ही हम सब कुछ पकाते हैं आग के द्वारा, तो इसे लोकल भाषा में तो हम गैस कहते हैं, लेकिन आप गैस मत कहना, इसे कहते हैं स्टोव। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। बाय बाय।